हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 39वां दिन, और आज के दिन मैं आपके लिए इंग्लिश के मेक के 10 बेहतरीन इस्तेमाल लेकर आया हूं। इन यूजेस को सीखकर आप मेक से जुड़े कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी मिल जाएगी कि अगर मेक इस तरीके से लिखा है तो ये मतलब होता है, ऐसे लिखा है तो ये मतलब होता है। अब इस अंग्रेजी वाले मेक के 10 बेहतरीन यूज सीखने के लिए इस वीडियो का तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज 39वें दिन मैं आपको मेक के कमाल के 10 यूज सिखाता हूं। आज सबसे पहले मैं आपको मेक का मोस्ट कॉमन यूज बताता हूं, जो ज्यादातर लोगों को पता होता है। अब मेक की हिंदी होती है बनाना, अब केले वाला बनाना नहीं है, कोई चीज बनाना। और भैया मेक की होती है टोटल 3 फॉर्म्स, तीनों याद कर लेना, दिमाग में बिठा लो, ताकि आगे के नो यूजेस में भी वो काम आएगी। तो भैया मेक की पहली फॉर्म है मेक, दूसरी है मैड, दूसरी तीसरी मैड नहीं मेड, मैड माने तो पागल होता है, मेड, और तीसरी भी है मेड, मेक मेक मेड मेड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बनाना, जहां पर भी आए बनाना तो आपको लगाना है मेक। जैसे माताजी तुम्हारे लिए केक बना रही है, मम्मी तेरे लिए भैया केक बना रही है, जन्मदिन है, ओहो आज तो 16 मार्च मेरा ही बर्थडे, थैंक्स। हाँ मम्मी माताजी तुम्हारे लिए केक बना रही है, तो इंग्लिश होगी मदर इज मेकिंग अ केक फॉर यू, मदर इज मेकिंग अ केक फॉर यू। तो भैया देखा, अब इस तरीके से कोई भी आए, मैं तुम्हारे लिए ये बना रहा हूं, वो तुम्हारे लिए हलवा बना रहा है, वो तुम्हारे लिए ये बनाएगा, तो बनाने के लिए मेक, ये तो पता ही होगा। अब मेक का दूसरा यूज देखें, और भैया मेक का दूसरा यूज है मेक फन ऑफ। अब ये जो मेक फन ऑफ होता है, तो इसमें मेक के साथ फन और ऑफ लगा हुआ होगा, और जहां पर भी ये लगा हो तो समझ जाना इसकी हिंदी है मजाक उड़ाना। मजाक बनाना भी होता है वैसे, मजाक बनाना मजाक उड़ाना बात एक ही है। आओ इस पर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम्हें राहुल की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, वो बेचारा क्या इतना परेशान रहता है, वैसे तुम उसकी मजाक उड़ाते हो। तुम्हें राहुल की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, यू शुड नॉट मेक फन ऑफ राहुल, यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए मेक फन ऑफ, मजाक उड़ानी राहुल, राहुल की। अब इसी तरीके से आप बनाओ, वह मेरी मजाक उड़ा रहा है, वह मेरी मजाक उड़ा रहा है, ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, वह सचिन की मजाक उड़ा रहा था, ही वाज मेकिंग फन ऑफ सचिन, तुम उसकी मजाक उड़ा चुके हो, यू हैव मेड फन ऑफ हिम, मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, आओ अब मेक का नेक्स्ट यूज देखें, और भैया तीसरा है मेड ऑफ, और ये जो मेड ऑफ है इसकी हिंदी होती है से बना हुआ, यानी कोई चीज किसी चीज से बनी हुई है तो लिखेंगे मेड ऑफ। आओ इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यह घर ईंटों का बना हुआ है, यह घर ईंटों का बना हुआ है, तो इंग्लिश होगी दिस होम, हाउस भी कर सकते हैं, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, दिस हाउस या दिस होम इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अब यहां पे इज लग गया इसलिए बना हुआ है हो गया, और बना हुआ था होता तो वाज लग जाएगा, बना हुआ होगा होगा तो विल भी लग जाएगा। अब आप बना बता सकते हो, ये अंगूठी सोने की बनी हुई है, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, और ये घर लोहे का बना हुआ है, और ये बाल्टी प्लास्टिक की बनी हुई है, और ये टी शर्ट कपड़े की बनी हुई है। ठीक है, तो होगा मेड ऑफ से बना हुआ। आओ अब नेक्स्ट वाला यूज देखें, और भैया चौथा वाला है मेड फ्रॉम, और अभी अभी जो मैंने मेड ऑफ सिखाया था ना, ये उसी के चाचा का लड़का है, मतलब ये है कि इसका मतलब भी वही है, और इस मेड फ्रॉम का मतलब है बना हुआ। अभी मेड ऑफ सीखा था, उसका मतलब भी यही था, बना हुआ, बनी हुई, बने हुए, इसका मतलब भी यही है, लेकिन डिफरेंस समझो। अब डिफरेंस में आपको कदे को जानकारी मिलेगी, और डिफरेंस ध्यान सुनो, अगर कोई चीज किसी चीज का कुछ बनाने के बाद उसकी पुरानी शेप वैसी ही है तो मेड ऑफ, जैसे पहले वाला था ईंटों का घर बनाया था तो ईंटे ही रहेंगे, शेप थोड़ी बदली, सोने की अंगूठी बनाई थी, सोना तो सोना ही रहा, बस वो अंगूठी जैसा दिख रहा है लेकिन है तो गोल्ड ही, लेकिन अगर उसके मतलब पूरा उसका वो ही बदल जाए, उसकी शक्ल पकल ही बदल जाए, और वो पहचान में ना आए, यानी किसी चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मेड फ्रॉम लगेगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यह आइसक्रीम दही बनी है या दही की बनी हुई है,
अब यहां पर देखो पहले दही थी यानी कोई और यूज था, फिर आइसक्रीम बना दी तो उसका मतलब शेप ही बदल गई तो इंग्लिश होगी दिस आइसक्रीम इज मेड फ्रॉम कर्ड, मेड फ्रॉम कर्ड यानी कर्ड से कन्वर्ट की गई, अब आइसक्रीम बन गई, अब दही थोड़ी रही वो, लेकिन वो ईंटों का घर था तो वो ईंटें ही थी, सही है याद रहेगा, तो ये डिफरेंस होता है। अब आप खुद सर बनाओ, हमारे घर में कड़ी बनी थी, मम्मी ने कड़ी की सब्जी बना दी यानी कन्वर्ट कर दिया, आलू बने थे आलू की आइसक्रीम बना दी यानी कन्वर्ट कर दिया जाए तो मेड फ्रॉम, क्लियर है ना बात। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मेक हैस्ट, और मेक के साथ जब हैस्ट मिल जाता है ना तो ये एक और कमाल का फ्रेज बनाता है, और मेक हैस्ट की वह हिंदी होती है जल्दी करना, किसी भी चीज की जल्दबाजी करना, जल्दी करना। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे शादी करने में जल्दी मत करो या शादी करने की जल्दी मत करो, तो भैया बात एक ही है, आप कोई भी शादी करने की जल्दी हो रही हो सो जल्दी शादी करा दो, मैं जो है अपना फैमिली वैमिली बनाऊं, तो आप कह सकते हो शादी करने में जल्दी मत करो, अभी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, दूसरे घुटनों पर तुम खड़े हो, गिर गिरा पड़ोगे, तो शादी करने में या शादी करने की जल्दी मत करो इंग्लिश होगी डोंट मेक हैस्ट टू गेट मैरिड, डोंट मेक हैस्ट जल्दी मत करो टू गेट मैरिड शादी करने की, आप ऐसे बोल सकते हो जल्दी मत करो, खाली इतना बोल सकते हो जल्दी मत करो, डोंट मेक हैस्ट, तो भैया यू आल्सो डोंट मेक हैस्ट लाइक द वीडियो बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू द लॉट्स ऑफ जहरीले यूजेस ऑफ मेक। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वाला, और भैया नेक्स्ट वाला है मेक ओवर, और ये जो मेक ओवर है इसकी हिंदी होती है सुधारना या निखारना, किसी भी चीज को सुधारना निखारना बढ़िया करना उसे मेक ओवर कहते हैं। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे तुम्हें अपने रहन सहन का तरीका सुधारना चाहिए, तुम्हारा सही नहीं है सुधारो इसे, अच्छे बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगे हो, तुम्हें अपने रहन सहन का तरीका सुधारना चाहिए इंग्लिश होगी यू शुड मेक ओवर योर लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं, यू शुड मेक ओवर तुम्हें सुधारना चाहिए योर लिविंग स्टाइल, अपने रहन सहन का तरीका, अपने जो है दिनचर्या का तरीका, और आप ऐसे बोल सकते हैं तुम्हें अपनी भाषा सुधारनी चाहिए शुड मेक ओवर योर लैंग्वेज, भैया अपनी इंग्लिश निखार ले मेक ओवर योर इंग्लिश, तो कहीं पर भी कुछ सुधारना हो मेक ओवर, और पता है मेक ओवर निखारना, और इसके अलावा एक चीज को और बोलते हो मेक अपना मेक चेहरे का चोकटा वोकटा सा साफ कर लेते ना, आई मीन मेकअप मेकअप कर लेते, मैं मेक ओवर करके आई हूं, मेक ओवर मतलब वही निखार के सुधार के अच्छी सी लग के आई हूं, तो इस तरीके से मेक ओवर का यूज होता है। आओ अब मेक से जुड़ा कमाल का एक और नेक्स्ट वाला यूज देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मेकर, और ये जो मेकर होता है ये क्या होता है पहले बता देता हूं, मेक माने तो पता ही है बनाना, मेन इसका यही मतलब है, लेकिन में जो ER लग गया एक तरीके का ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं वो होता है ना सफिक्स पीछे लगने वाले शब्द एक तरीके का एडजेक्टिव टाइप, अब ये लग गया तो इसका मतलब हो गया बनाने वाला यानी कि कोई चीज बनाने वाला, एक सेंटेंस लेते हैं जैसे आज खाना बनाने वाला नहीं आया, आज खाना बनाने वाला नहीं आया इंग्लिश होगी द फूड मेकर, खाना बनाने वाला डिड नॉट कम टुडे, टुडे को आप चाहे तो शुरू में भी लिख सकते हैं टुडे द फूड मेकर डिड नॉट कम, सो द फूड मेकर डिड नॉट कम टुडे, आज खाना बनाने वाला नहीं आया, आज बिल्डिंग बनाने वाला आ रहा है, आज चाय बनाने वाला नहीं आया, आज कॉफी बनाने वाले ने मुझे गोली दे दी, आज समझ गए ना ठीक है बनाने वाला। आओ अब नेक्स्ट वाला कॉफी बनाने वाला कॉफी मेकर नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है मेकिंग ऑफ, अब ये वाला जो शब्द है भैया ये बॉलीवुड की दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होता है, और इसको आप इसका आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल सबसे पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूं, मेकिंग ऑफ की हिंदी होती है का निर्माण, का निर्माण यानी उसके बनने की प्रक्रिया के दौरान का वक्त, जब कोई चीज बन रही थी वो वक्त मेकिंग ऑफ कहलाता है, और बॉलीवुड वाले बहुत यूज करते हैं, जब कोई फिल्म बनती है ना तो उस फिल्म की जो शूटिंग होती है उसे कहते हैं मेकिंग ऑफ, मेकिंग ऑफ DDLJ, मेकिंग ऑफ शोले, मेकिंग ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेकिंग ऑफ ये और वो, और इसके अलावा कोई और पुल वुल बन रहा है, बुर्ज खलीफा बन रहा है, मेकिंग ऑफ बुर्ज खलीफा। आओ एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे पिताजी ने शोले फिल्म का निर्माण अपनी आंखों से देखा या देखा था, पिताजी ने शोले फिल्म का निर्माण अपनी आंखों से देखा था इंग्लिश होगी फादर सॉ द मेकिंग ऑफ शोले बाय हिज ऑन आईज, फादर सॉ पिताजी ने देखा, देखा था के लिए हेड सीन भी कर सकते हैं द मेकिंग ऑफ शोले, अब यहां पर मेकिंग ऑफ शोले फिल्म मूवी जो भी है बाय हिज ऑन आईज अपनी आंखों से, अब आप चाहे तो गूगल पे
या फिर YouTube पे सर्च कर सकते हैं मेकिंग ऑफ DDLJ, तो DDLJ की शूटिंग आ जाएगी। मेकिंग ऑफ बुर्ज खलीफा, तो जब बुर्ज खलीफा बन रहा था वो आ जाएगा। मेकिंग ऑफ सरताज, नहीं ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, आओ हम जरा नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेड इन, ये तो हम अक्सर चीजों पर लिखा हुआ देखते हैं ना, मेड इन चाइना। नहीं आजकल चाइना नाम नहीं लूंगा भैया, बहुत बुरा वायरस चल रहा वहां से, तो हम कुछ और ले लेते हैं। मेड इन यानी मैं बना, मैं बनी, मैं बने, ये इसकी हिंदी होती है, मैं बना या फिर मैं बनी है, मैं बने, अब तो आप पता चली गया होगा। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। यह कार भारत में बनी थी, ये जो कार है जिसकी आप बात कर रहे हो भारत में बनी थी, तो कहीं भी कोई चीज असेंबल की गई हो, बनाई गई हो, डिस्कवर की गई हो या उसको जो है जोड़ा गया हो, तो वहां पे मेड इन या उसके आगे कंट्री या फिर जगह या फिर आपका घर पर जो भी नाम लगा देंगे। यह कार भारत में बनी थी, तो इंग्लिश होगी दिस कार वॉज मेड इन इंडिया। दिस कार वॉज मेड इन इंडिया, बनी थी के लिए वॉज लग गया, बनी है के लिए इज मेड इन इंडिया, बनेगी के लिए विल भी मेड इन इंडिया। तो मेड इन के बाद आप कुछ भी नाम लगा सकते हो जहां पर वो चीज बनी है। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब ये वाला फॉर्मूला बनता है ना तो इसकी कमाल की हिंदी बनती है, और इसकी हिंदी है कराना, कोरेना नहीं, कराना यानी किसी से कोई काम कराना। ठीक है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक अच्छी सी वीडियो खोल-खोल के बना चुका हूं, आपको शायद वो वीडियो याद हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आज शॉर्ट में समझा देता हूं, सुन लो। किसी से भी कोई काम कराना, जैसे सरताज सर हमसे अंग्रेजी बुलवा रहे हैं, यानी हमसे काम करवा रहे हैं, इंग्लिश होगी सरताज सर इज मेकिंग अस स्पीक इंग्लिश। सो मेक आईएनजी लगा के फिर अस ऑब्जेक्ट और स्पीक फर्स्ट फॉर्म, तो ये फॉर्मूला लग गया। तो काम कराना, तुम मुझे हंसा रहे हो, यू आर मेकिंग मी लाफ, उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी क्राई, और मैं तुमसे लाइक करवाऊंगा, आई विल मेक यू लाइक द वीडियो। ठीक है, तो भैया देखिए मेक के कमाल कमाल के यूज। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो मेक के ऊपर, आई एम श्योर कि आपको मजा फजा खूब सारा आया होगा। अब बारी है आपके होमवर्क की, और ये टेस्ट करने की कि आपका ब्लड टेस्ट नहीं, आई मीन ये जो मेक का टेस्ट है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। लगाओ मैडम जहरीले सेंटेंस, लगाओ इनके लिए, शक्ल देख रहे मेरी, ये रहे भैया आपके सेंटेंसेस, इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना लेकिन वो मेक का यूज करते हुए। और फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चेप देना, मैं लाइक करके चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में ही आपको आके प्यार से समझा दूंगा। और होमवर्क जरूर किया करो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरा हार्ट तुम पा सको, बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट पे हार्ट लगा होता है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, इसका जवाब आपको अभी गया नहीं है, अरे हटाओ इसे, इसका अभी जो था इसका जवाब आपको मिलेगा कल की वीडियो में, आंसर मिल जाएगा, मैच कर लेना। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो मेक के इस्तेमाल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको 10 तरीके के मेक के यूज किया, आई एम श्योर कि आपको मजा आएगा, आप कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।